मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व शासनकाल को सुरक्षा, विकास और जन कल्याण की योजनाओं के प्रति विफलता को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सपा का नाम समाजवादी सोच, परिवारवादी और काम दंगावादी है। सपा सरकार ने गुंडे, माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए थे। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को समाजवादी पेंशन के नाम पर बांट दी थी। जनता ने सपा की तुलना में बीते 5 साल में भाजपा की डबल इंजन सरकार को दे रखा है। आज उसका परिणाम है कि पूरे प्रदेश में भाजपा को जनता का प्रचंड समर्थन मिल रहा है। बच्चा बच्चा भाजपा भाजपा चिल्ला रहा है। 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी सिविल लाइन्स स्थित एक मैरिज हॉल में पदाधिकारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए पार्टीजनों में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि वह लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की कतिपय पाबंदियों के चलते सभाओं में लोगों की संख्या सीमित की गई है, लेकिन सड़कों पर जनता का उत्साह देखते ही बनता है। पश्चिमी यूपी में एक ही मुद्दा है, सुरक्षा का। मीडिया जब लोगों से यह पूछ रही है कि भाजपा को ही वोट क्यों देंगे, तो जनता से जवाब मिल रहा है कि भाजपा सरकार ने हमें सुरक्षा का वातावरण दिया है। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले सपा सरकार में वहाँ बेटियाँ स्कूल नहीं जाती थीं, महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान नहीं खोल पाते थे, लोगों का पलायन होता था, दंगे होते थे, पूरी तरह असुरक्षा का वातावरण था। पर भाजपा के 5 वर्ष के शासनकाल के दौरान किसी ने दंगा का नाम सुना क्या? कोई दरिंदा किसी बहन बेटी के साथ जबरदस्ती कर सकता है क्या? आज आधी आबादी बेहिचक कहती है भाजपा सरकार ने हमें सुरक्षा दी है, यही तो राम राज्य है। हम सुरक्षित हैं तो कुछ भी करने में समर्थ हैं, इसलिए वोट तो बीजेपी को ही देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के कल्याण के लिए भाजपा सरकार की तमाम योजनाओं को विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, जाति की बात करने वाले अवसर मिलने पर सिर्फ अपने परिवार के कल्याण के लिए ही काम करते हैं। किसी गरीब से पूछिए कि पिछली सरकार ने उसके लिए क्या किया। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने महज 18,000 पीएम आवास स्वीकृत कराए थे, वह भी लोगों को दिए नहीं, जबकि भाजपा सरकार ने 43,50,000 गरीबों को बिना जाति भेदभाव के पीएम आवास दिए हैं। ना तो किसी गरीब को सिफारिश करनी पड़ी और ना ही कहीं किसी को रुपया देना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार ने जितने पीएम आवास पूरे प्रदेश में नहीं स्वीकृत कराए, उससे अधिक 32,000 हमने सिर्फ गोरखपुर महानगर में गरीबों को बनाकर दिए हैं। पूरे जिले में यह संख्या 1 लाख से भी अधिक है। पेंशन योजना को लेकर भी सीएम योगी पूर्व की सपा सरकार पर खासे हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि पूर्व में दिव्यांगों को 300, बुजुर्गों को 400 और विधवाओं को 500 रुपये दी जाने वाली पेंशन को भी सपा सरकार ने रोक दिया था। पेंशन का यह पैसा वो अपने पार्टी के पदाधिकारियों में समाजवादी पेंशन के नाम पर बांट रहे थे। भाजपा की सरकार बनने पर हमने तय किया कि पेंशन निराश्रितों के लिए है, छठे गुंडों के लिए नहीं। यही नहीं, सरकार ने पेंशन की धनराशि भी बढ़ा दी है। भाजपा की सरकार प्रदेश में 1 करोड़ पात्र लोगों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन दे रही है। सीएम ने कहा कि जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी तो राशन कार्डों की जांच कराई गई, 40 लाख कार्ड फर्जी पाए गए। इन पर राशन तो उठता था लेकिन गरीबों के पास नहीं पहुंचता था, जबकि आज बीजेपी की डबल इंजन सरकार प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का डबल डोज दे रही है। इस दौरान कुशीनगर के मुसहरों का उल्लेख करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2016 में वह भूख से मर रहे मुसहरों के बीच गए थे, उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। मैंने 2003 में आंदोलन कर उनके राशन कार्ड बनवाए थे, पूछने पर पता चला कि सपा सरकार ने उनके राशन कार्ड निरस्त कर सपाइयों को दे दिए थे। आज जब भाजपा सरकार है, किसी भी मुसहर की मौत भूख से नहीं हुई है, सबको पर्याप्त खाद्यान्न मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सपा बसपा सरकारों में बिजली तक नहीं मिलती थी, जिनका खुद का सारा काम अंधेरे में होता था तो वो जनता को बिजली कैसे देते। आज भाजपा सरकार में गांव-गांव तक लोगों को भरपूर बिजली मिल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की त्रासदी रही इंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समन्वित प्रयासों से बीते 5 सालों में इंसेफ्लाइटिस को स्वाहा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले सर्वाधिक बच्चे अनुसूचित और अल्पसंख्यक समाज के होते थे। सवाल उनकी जाति का नहीं था, यह बच्चे समाज के बच्चे थे, पर बच्चे तो वोट बैंक होते नहीं, इसलिए पूर्व की सरकारें उनके बारे में सोचती भी नहीं थी। जब सोच ईमानदार नहीं होती है तो काम भी दमदार नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय बनाकर तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर हमने 5 साल में इंसेफ्लाइटिस को एकदम समाप्त किया है, जबकि 2017 के पहले तक गोरखपुर बस्ती मंडल में प्रतिवर्ष 2 से 3 हज़ार बच्चों की इससे मौत हो जाती थी। इसको लेकर सरकार की संवेदना जगाने के लिए मेडिकल कॉलेज से
कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी तक उनके आंदोलनों की साक्षी यहां की जनता भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों को दी जा चुकी है, दूसरी डोज भी 70% लोगों को मिल गई है। 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 26 करोड़ 50 लाख वैक्सीन की डोज दी गई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर जो लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि यह मोदी और बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, उन्हें भी आज इसी वैक्सीन ने बचाया है। यह बात बताकर उन्हें सांकेतिक तमाचा मारने की ज़रूरत है। 100% वैक्सीनेशन इस बात का प्रमाण भी है कि जनता बीजेपी और मोदी के साथ है। कोरोना प्रबंधन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम और द्वितीय लहर की तरह कोरोना की तीसरी लहर पर भी हमने प्रभावी नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। गोरखपुर की पुरानी और नई पहचान के बीच एक तुलनात्मक खाका खींचते हुए सीएम योगी ने कहा कि अब गोरखपुर की पहचान बम से नहीं बल्कि विकास के बम बम से है। इसे लेकर उन्होंने पहली बार सांसद चुने जाने के बाद तत्कालीन उर्वरक मंत्री सुरजीत सिंह बरनाला से हुई अपनी मुलाकात का स्मरण भी सुनाया। तब तत्कालीन उर्वरक मंत्री ने 70 के दशक में अपनी गोरखपुर यात्रा के दौरान हुई बमबाजी का जिक्र योगी आदित्यनाथ से किया था। सीएम योगी ने कहा कि विकास सरकार की सोच के अनुरूप आगे बढ़ता है। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना, एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रामगढ़ताल का सुंदरीकरण, चौड़ी सड़कें, चिड़ियाघर, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, सैनिक स्कूल, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, पीएससी की महिला बटालियन, आयुष विश्वविद्यालय आदि विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला है। हमें विकास की इस यात्रा को थमने नहीं देना है ताकि आने वाली पीढ़ी हमें कोसने न पाए। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का भान कराते हुए सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की भावनाओं से सभी को जोड़ना है। लोक कल्याण के पद पर कोई हनुमान है तो कोई गिलहरी, काम नहीं भाव महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जिसको जो जिम्मेदारी मिल रही है उस जिम्मेदारी का पूरी तन्मयता से निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की चुनौती है तो चुनौती में ही रास्ता निकालने के लिए तकनीकी भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर हर वार्ड, मंडल, शक्ति केंद्र व बूथ को अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। नगरीय क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना चुनौती होती है, इसके लिए हमें 3 मार्च को पहला कार्य मतदान का ही करना और कराना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार तभी आती है जब अधिक मतदान होता है, अन्यथा कम मतदान होने पर वही लोग आएंगे जो अराजकता पैदा करते थे। उन्होंने पहले मतदान का बार बार जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया, साथ ही साथ कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता हर मतदाता से कम 5 बार व्यक्तिगत संपर्क करें और 6वीं बार उसे मतदान पर्ची पहुंचाएं। सीएम योगी ने कहा कि कैसे होगा हमने ये कभी नहीं सोचा, हम आशावादी हैं और इस बात पर दृढ़ रहते हैं कि हो कैसे नहीं सकता है। चाहे प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण बनाने की बात हो, बीमारियों के उन्मूलन की हो, विकास यात्रा की हो या बिना भेदभाव योजनाओं के क्रियान्वयन की, सभी आयामों पर हम दृढ़ रहे हैं। गोरखपुर महानगर के पदाधिकारी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वह 5 मार्च को शामली, कैराना के चुनाव प्रचार दौरे पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैराना में 67% व्यापारी पूर्व की सरकार में पलायन कर गए थे, आज बदलाव आया है, पलायन करने वाले सभी लोग वापस आए हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं। क्या पिछली सरकार पलायन का दंश झेलने वालों से माफ़ी मांगेगी? जनता को उन्हें इसके लिए मजबूर कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैराना और शामली के दौरे के दौरान एक बार वह फिर बोलेंगे कि अगर दंगाइयों की गर्मी चढ़ रही है तो 10 मार्च के बाद शांत करा दी जाएगी। गोरखपुर महानगर में पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है और इसे देखते हुए 6 फरवरी के बाद स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 101,600 थी जो आज 41,000 पर आ गई है। एक सप्ताह में इसे नीचे लाते लाते हम शून्य पर पहुंचा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हम सब मिलकर योगी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि 2002 में जब मैं चुनाव जीता था तो मुझे भ्रम नहीं था कि मैं चुनाव जीता हूं, मुझे बखूबी यह ध्यान था वह जीत योगी जी की थी। नगर विधायक ने चुनाव दर चुनाव अपने जीत की मार्जिन का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ माह पहले उन्होंने इस बार अपनी जीत 1,00,000 वोटों के मार्जिन से होने का दावा किया था। जब राधा मोहन 1,00,000 से जीत का विश्वास कर सकता है तो अब तो खुद योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव मैदान में होंगे, तो हम सब के प्रयासों से पूरे प्रदेश की ऐसी ऐतिहासिक जीत होनी तय है। खुद को पार्टी का समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ता बताते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि इस चुनाव में राधा मोहन साय की तरह योगी जी के साथ खड़ा रहेगा,
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद अपने चुनाव प्रचार में आने की आवश्यकता नहीं है, हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहिए, इसलिए योगी जी निश्चिंत होकर पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करें, यहां कल्पना से अधिक ऐतिहासिक जीत की गारंटी है। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि कोविड संकट के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की परवाह किए बिना कोरोना पीड़ितों की सुध ली, ऐसे समय में जब विपक्ष के नेता घरों में बैठे थे, योगी कोरोना पीड़ितों के बीच थे, संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की गई, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्था ने भी योगी सरकार के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है, उन्होंने चुनाव में सभी बूथ अध्यक्षों व पन्ना प्रमुखों को महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए एक एक बूथ पर ध्यान देने पर जोर दिया। पदाधिकारी बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश और गोरखपुर की तस्वीर कैसी थी और आज क्या कायाकल्प हुआ है, इसे सभी जानते हैं। सीएम योगी की अगुवाई में 5 साल में विकास के जो कार्य हुए हैं वह पूर्व की सरकारों के 50 साल पर भारी हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एकतरफा और रिकॉर्ड जीत सुनिश्चित है, अब हम सभी को अपने अपने बूथ को पूरी तरह सपा बसपा मुक्त बूथ बनाना है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में गोरखपुर के चतुर्दिक विकास का विस्तार से उल्लेख किया। स्वागत संबोधन महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, संचालन अच्युतानंद शाही व आभार ज्ञापन महानगर महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने किया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरविंद मेनन, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व MLC विनोद पांडे, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी, शहर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी विवेकानंद वर्मा, देवेश श्रीवास्तव, विश्वजीतांशु सिंह आशु, प्रदीप निषाद समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी, मंडल शक्ति, केंद्र व बूथ स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन के सम्मानित मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पिछले 4 महीने से जो लगातार इस गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित कराने के लिए अनवरत काम कर रहे ऐसे सम्माननीय अरविंद मेनन जी, राज्यसभा सांसद और विभिन्न मंत्रालयों को सुशोभित कर सके सम्माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, 2002 के पहले राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं रहे होंगे,
इसलिए आपको योगी आदित्यनाथ और राधा मोहन अग्रवाल का संबंध पता ही नहीं है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब 1998 18 जनवरी को योगी आदित्यनाथ को सांसद का चुनाव लड़ना था। मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ था और योगी आदित्यनाथ का आदेश आया था कि आपको नगर विधानसभा का चुनाव संचालन करना है। फिर वो भी दिन आया जब 2002 को योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे चुनाव लड़ाया। बड़ी संख्या में आज जो उपस्थित हैं वो नए लोग हैं, जिन लोगों ने उस जमाने की सभा को सुना होगा, योगी आदित्यनाथ के भाषण को मंचों पर सुना होगा। आज मैं उन्हें उनके कतिपय शब्द याद कराऊंगा। योगी आदित्यनाथ हर मंच पर कहते थे, राधा मोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं। हर मंच पर आप कहते थे कि मैं 24 कैरेट का खारा सोना इस गोरखपुर शहर को देने जा रहा हूं, और हर मंच पर आप कहते थे कि मेरे पास नकली डॉक्टर नहीं है, असली डॉक्टर है। वो चुनाव मैंने 18,000 से जीता था, और जीतने के बाद पहली बात मैंने कही थी कि मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं यह चुनाव जीता हूं। यह चुनाव योगी आदित्यनाथ ने जीता था, मैं सिर्फ एक प्रत्याशी था। मेरी असली पहचान 2007 का, अगर पार्टी ने चुनाव लड़ने का अधिकार दिया तब 2007 का अधिकार मेरा होगा कि मैं योगी आदित्यनाथ से कहूं, आपने मुझे एक बार विधायक बना दिया, अब मैं आपके सर को नीचा नहीं होने दूंगा, अपने कर्मों के बल पर आपको चुनाव जीत करके यह सीटें अर्पित करूंगा। और आप जानते हैं मित्रों, आप सबके सहयोग से 2007 का चुनाव हम लोगों ने जीता 28,000 से, 2012 का चुनाव हम लोगों ने जीता 48,000 से, 2017 का चुनाव हम लोगों ने जीता 61,000 से, और मैंने बाबा गंभीर नाथ के मंच पर आप ही कार्यकर्ताओं के बीच में कहा था, महाराज जी विश्वास रखिए 2022 का चुनाव मैं 1,00,000 से जीतूंगा और आपके चरणों पर अर्पित कर दूंगा, याद होगा। अगर राधा मोहन 1,00,000 से चुनाव की गारंटी दे सकता है और राधा मोहन की जगह अगर योगी आदित्यनाथ स्वयं प्रत्याशी होंगे, तो मित्रों हम और आप सब जानते हैं कि यह देश उत्तर प्रदेश की विजय की ऐतिहासिक जीत के रूप में देश के इतिहास में शामिल किया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है, यह विश्वास किसी व्यक्ति का किसी को ऐसे ही नहीं मिलता। मैं विधायक रहा हूं 15 साल, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब भी लड़ता रहा हूं, जनता की लड़ाई लड़ता रहा हूं। नहीं, ये केरल के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री थे, बंगाल से लेकर पंजाब तक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दीपक जलाने का काम किया है। न कभी सांसद रहे हैं न कभी विधायक, इनको क्या मिला है भारतीय जनता पार्टी से? एक सुबह से लेकर एक रात तक अनवरत काम करने वाले अरविंद मेनन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? और मैं अगर विधायक नहीं रहूंगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं रह जाऊंगा? पहले से और मजबूत नेता रहूंगा इसके कारण। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहूंगा, जो धर्मेंद्र जी जिसकी चर्चा कर रहे थे, कार्यकर्ता कोई वरिष्ठ और कनिष्ठ नहीं होता, संगठन में जिसको जो दायित्व दिया जाए उसे उस दायित्व का निर्वहन करना होगा। इस चुनाव में गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सर्वाधिक मतों से जिताना है।
के साथ ही साथ हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में भावी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कोविड में तो सभी लोग परेशान हुए, अस्वस्थता के बाद कुछ समय तक आराम भी किए, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि कोविड हो जाने के बाद जब उससे मुक्त हुए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड वार्ड में जाकर के कोरोना से पीड़ित लोगों से मिलने का काम किए, उनका हाल चाल पूछने का काम किए। यह नहीं कि हमें कोरोना हो गया है तो मैं कैसे जाऊं, जब दूसरे दलों के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार पर, केंद्र की सरकार पर कोरोना से लड़ने के लिए कैसे वैक्सीन क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए अपने बयान दे रहे थे, तो आपको गर्व होना चाहिए कि जो हमारे विधायक होने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वह कोरोना से पीड़ित लोगों के बीच में जा करके उनकी चिकित्सा का प्रबंध कर रहे थे। उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी सम्मान्य श्री अरविंद मेनन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री शिवप्रताप शुक्ल जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, विधानसभा के प्रभारी श्री विवेकानंद वर्मा जी, रमाकांत निषाद जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पुष्पचंद जैन जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री विनोद पांडे जी, गोरखपुर नगर से विधानसभा चुनाव की प्रत्याशिता घोषित होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से यह पहली बार मेरा आपके साथ संवाद हो रहा है। आप सभी लोग इस अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं और समय पर आ गए हैं, क्योंकि मैं लखनऊ के एक कार्यक्रम में था। लखनऊ के कार्यक्रम के बाद जब मैं वहां से चला तो मुझे बताया गया था कि 3 बजे तक सभी कार्यकर्ता आ जाएंगे, और एयरपोर्ट पर जब मैं 3 बजे लैंड किया तो तब तक सभी लोग यहां पर उपस्थित हो गए थे। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर महानगर की जनता ने जिस उत्साह के साथ चुनाव को अपने हाथों में लिया है वो अभिनंदनीय है। मुझे कल ही गोरखपुर आना था, लेकिन कल बुलंदशहर और मथुरा जनपदों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कार्य के साथ जुड़ा होने, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मुझे वहां तक काफी देर हो गई थी, और मैं कह सकता हूं कितना प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर।
बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, इन सभी जनपदों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी 15 जनवरी को गोरखपुर से उस दिन यहाँ से दोपहर के बाद मुझे दिल्ली जाना था, इसलिए मैं निकला था और आज फिर गोरखपुर आया हूं। इस दौरान या तो दिल्ली की बैठक में था और ज्यादा समय क्षेत्र में प्रचार में था। आप कल्पना नहीं करेंगे, चुनाव आयोग ने चुनावी सभाओं को सीमित रखा है और चुनाव को सीमित रखने के बाद उन्होंने चुनावी सभा में एक सीमित संख्या उपस्थित होने के लिए कहा, लेकिन लोग चुनावी सभा में भले ही जगह की कमी के कारण नहीं उपस्थित हो पा रहे, लेकिन सड़कों पर उनका उत्साह देखते हुए बनता है। दूसरा, आप उस समय देख रहे होंगे मीडिया लगातार जिन क्षेत्रों में प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव हैं वहां पर जाकर के जब पूछती है, मीडिया के रिपोर्टर जाकर के लोगों से पूछते हैं आखिर क्यों बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, प्रथम और द्वितीय चरण में वहां पर केवल एक मुद्दा है और मुद्दा है सुरक्षा का। गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर में आप लोगों ने लंबे समय तक मेरे साथ में सड़कों पर रहकर संघर्ष किया था सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी, व्यापारी अपना प्रतिष्ठान नहीं खोल सकता था और अगर खोल भी देता था तो सूर्यास्त के बाद उसके लिए घर जाना मुश्किल हो जाता था, पलायन होता था, असुरक्षा का माहौल था, छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? प्रदेश के अंदर यह सुना है कि किसी बेटी को या किसी बहन को कोई दरिंदा जबरन उठा करके लेके चला जाएगा? और जो एक विश्वास जगा है आधी आबादी के मन में, वे बेझिझक कहती है हमें तो बीजेपी को वोट देना है। लोग तो पूछते क्यों देना है और कहते हैं साहब यही तो राम राज्य है, ये सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है, हमें सुरक्षा मिल गई, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, हम सुरक्षित हैं तो स्वयं कुछ भी करने की सामर्थ्य रखते हैं। ये आधी आबादी का कहना है। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, ये जाति जाति की जो बात करते हैं ना, ये वे लोग करते हैं जिनको जब अवसर मिलता है केवल अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने परिवार के बाहर उनका दृष्टिकोण होता ही नहीं है। गरीब गरीब होता है और आप प्रदेश के किसी भी गरीब से पूछिए पिछली सरकार में क्या होता था। धर्मेंद्र जी यहां आंकड़े गिना रहे थे मकान का। समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश उत्तर प्रदेश में, 18,000 मकान स्वीकृत हुए थे, केवल 18,000, कितना ये मिले नहीं थे, फाइलों में स्वीकृत हो गए थे, किसी को मिला नहीं था। और अकेले गोरखपुर महानगर में कितने गरीबों को मकान मिला है? 32,000 नाम से उनको मकान मिला है, एक एक गरीब को मकान मिला है। क्या उसकी जाति देख करके मकान दिया गया? नहीं। और पात्रता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने
और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने एक पात्रता की सीमा तय की थी हर गरीब को, उसमें दलित भी है, वंचित भी है, पिछड़ा भी है, सामान्य जाति का भी है। पात्रता की श्रेणी में आने वाला हर गरीब उस योजना का लाभार्थी होगा और उस लाभार्थी में अकेले गोरखपुर महानगर में सूची है। उन गरीबों के साथ बातचीत करके हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारी जाति देख करके मकान दिया गया, उससे पूछा जा सकता है क्या तुमसे इसके बदले कुछ लिया गया था क्या, तुम्हारी कहीं से सिफारिश करने की आवश्यकता पड़ी थी क्या, कभी नहीं। प्रदेश के अंदर अगर ये आंकड़े में बताओ, ये तो मैंने केवल गोरखपुर महानगर की बात कही, अभी पिपराइच, चोरी चोरा, पीपीगंज, सहजनवा, बांसगांव, बड़लगंज, गोला, उनवाल, इन कस्बों में जो मकान दिए गए वो अलग है और ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। अगर इस संख्या को हम आपके सामने रखेंगे तो इस संख्या 1 लाख से ऊपर जाएगी, 1 लाख से अधिक गरीबों को। भाइयों बहनों, 1 लाख परिवार का मतलब 5 लाख लोग सीधे सीधे उससे जुड़ेंगे। चेहरा देख करके नहीं, उसकी गरीबी से उसको उभार करके उसको आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए यह आवास उपलब्ध कराई गई। एक एक योजना हर व्यक्ति के स्वावलंबन का आधार बनती है। याद करिए लोकसभा चुनाव के दौरान जब मुझसे 3 दिन का बैन लगा था तब मैं अयोध्या गया था। अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के परिवार ने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया था, मैं गया था, मेरे पास समय था, मैं गया उसके घर। परिवार के साथ आरती की थाली लेकर के खड़ा था, मैंने कहा ये सब क्यों? उन्होंने कहा साहब ये मकान आपने दिया। मैंने कहा मैंने कैसे? उसने कहा साहब मैं दलित हूं, दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस सबके बावजूद मुझे भाजपा की सरकार में मकान मिला। तो मैंने कहा तो बहुत सारे लोगों को मिला है। कह रहे साहब मैं तो पूरी जिंदगी खपा गया, लेकिन मुझे आज तक तो कभी किसी अन्य पार्टी की सरकारों में, हर पार्टी की सरकारें थी, कभी किसी ने मकान नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं दी। उसने 4 छोटे-छोटे कमरे बनाए थे, घर के अंदर लेके गया, दिखाने लग गया। उसने कहा देखो ये सिलेंडर भी भाजपा की सरकार ने दिया, ये बिजली भी भाजपा की सरकार ने फ्री में कनेक्शन दिया है, ये मेरा अकाउंट है ये भी भाजपा की सरकार ने खोला है, ये मेरा राशन कार्ड है ये भी भाजपा की सरकार ने मुझे उपलब्ध कराया है। और भाइयों बहनों, फिर उसने मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा बताइए कि क्या आपकी इससे पहले मकान बनाने की इच्छा स्वयं नहीं होती थी, कैसे मकान आपका था? उसने कहा देखिए मैं आज सुबह ही जब मुझे जानकारी मिली, कल रात्रि को मुझे जानकारी मिली कि आप मेरे घर में आएंगे, तो मैंने तो अपनी 2 लड़कियों की शादी पहले कर ली थी, उन दोनों लड़कियों को ससुराल से बुला के लाया, वो अपने बच्चों के साथ आई। तो मैंने कहा आपने उनको कैसे बुलाया? कहा कि मेरा लड़का ई रिक्शा चलाता है। मैंने कहा ई रिक्शा किराए का? कहा नहीं, अपना भी ई रिक्शा है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा मैंने जैसे हर परिवार की इच्छा होती है कि कन्या बड़ी होती है तो पहले अपनी लड़की की शादी करता है, पढ़ाता लिखा जितना सामर्थ्य होती पढ़ाता लिखाता है, उनकी शादी कर देता है। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसके मन में आया कि कल मैं बहू लेके आऊंगा, लड़की तो जैसे तैसे घर में रही, झोपड़ी का मकान था, लड़की बड़ी हो, लड़का बड़ा होगा उसकी शादी कराऊंगा, कम से कम कुछ मकान बनाता हूं। तो राजमिस्त्री का मैं काम करता था, एक एक पैसा इकट्ठा करके 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया था, लेकिन मैं भी जानता था 1 लाख में मकान नहीं बनना है। तो मैंने इसके लिए देख ही रहा था, तब तक एक दिन मेरे पास अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा मकान स्वीकृत हुआ है, तुम्हें अपना अकाउंट नंबर देना होगा।
तो मैंने कहा क्यों, कहा कि अकाउंट नंबर इसलिए जिससे उसमें सीधे पैसा आएगा, तुम्हें किसी के पास नहीं जाना होगा, लखनऊ से सीधे मुख्यमंत्री जी वहीं बटन दबाएंगे, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और कहा 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने तो 1 ही लाख इकट्ठा किया था, मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपया आ गया और 2.5 लाख से मैंने मकान बना दिया। तो मैंने कहा 1 लाख रुपया क्या हुआ, का 1 लाख से तो ई रिक्शा खरीदा है अपने लड़के के लिए और उसी ई रिक्शे को मेरा लड़का चला रहा है, पर दिन 1000 रुपया कमा रहा है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना एक परिवार को कैसे आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकती है। और ऐसे कितने लोगों को मकान दिया मालूम है आपको, उत्तर प्रदेश में 43,50,000 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है उत्तर प्रदेश में। ये हवाले हो गए, अब चले गए, अब गोरखपुर में बम नहीं चलता है, बम चलता है, अब गोरखपुर विकास के बम की यात्रा के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए स्योतार भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरा पर विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए गोरखपुर महानगर का हर वासी पूरी उत्सुकता के साथ आगे बढ़ेगा और हमारा दायित्व है कि उसको अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ जनसंपर्क जरूर करें, जरूर जाए हर घर में। आप उसको शासन की योजना के बारे में बता दीजिए, आप अछूत मत मानना किसी को। आप प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएंगे और हर व्यक्ति से कह करके हर बूथ में टीमें हो जाएं अलग अलग। भाजपा का मूल संगठन तो काम करेगा ही, महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में, युवा मोर्चा यूथ के बीच में, अनुसूचित मोर्चा अनुसूचित समाज के बीच में, अतिरिक्त जाकर के पिछड़ा वर्ग का मोर्चा उनके बीच में जाए, अलग अलग प्रकोष्ठ अलग अलग उनके बीच में जाकर के उनके बीच में अलग से कार्यक्रम करें, बातचीत करें, संवाद बनाए, टोली बनाए और फिर मूल संगठन के साथ समन्वय बनाते हुए किसी को छोड़ना नहीं, हर परिवार में जाना, क्योंकि हर परिवार की बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी कि वो आपको समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपका काम उनसे अनुरोध करना है, अपील करना है और उनको फिर पार्टी के साथ जोड़ करके मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। पहला काम मतदान। अगर ये हम कर सकेंगे तो हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ेगा और मुझे लगता है कि हमारी बूथ प्रबंधन जितना मजबूत हम कर पाएंगे वह और भी अच्छे ढंग से आगे होगा। आज ये हमारा ये पहले ये प्रत्यक्ष यहाँ पर संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। कल गोरखपुर में 9:30-10 बजे के बीच में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में एकत्र होंगे, वहां पर माननीय गृह मंत्री जी भी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे और भी अन्य पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी भी होंगे, हमारे लोकल जनप्रतिनिधि भी सभी होंगे, सभी पदाधिकारी भी होंगे, हम सभी एकत्र होकर के वहां करेंगे। कल मतदान करने के बाद फिर लगभग 57 विधानसभा सीट है, उनके 57 विधानसभा सीटों में से हम लोगों ने लगभग 45 अब तक कवर की है, बाकी को मुझे अभी 4, 5, 6, 7 में कवर करना है और उसके बाद ही द्वितीय चरण के मतदान की प्रक्रिया के साथ हम जुड़ जाएंगे। एक अनवरत क्रम चलता रहेगा, तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से महानगर के प्रत्येक मतदाता तक मुझे लगता है आपको जाना पड़ेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बूथ जितना मजबूत होगा, जितना सशक्त होगा, एक एक मतदाता के पास जाना और उसको मतदान स्थल पर कैसे ले जाना, इसकी पूरी कार्य योजना बार बार जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार चले गए तो फिर हम लोग, मुझे प्रसन्नता है कि जो वर्चुअल बैठक में तय हुआ था कि सभी 698 बूथों में मीटिंग होगी और मीटिंग गोरखपुर महानगर के अंदर संपन्न हो गई है, लेकिन अब टोली बना करके
पांच से छह बार, यानी पांच बार तो हम प्रत्यक्ष रूप से एक बार एक एक मतदाता तक मिलने, प्रत्येक घर तक हमारा जनसंपर्क हो जाए, और छठी बार मतदान पर्ची भी उन तक पहुंचा देंगे। अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को कि किस मतदाता का किस बूथ पर मतदान होना है, फिर उसको टेलीफोन से संपर्क करके मतदान स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था में भी आप सब सहभागी बन पाएंगे। यही मुझे आप सबसे अपील करनी थी। कल हम लोग एक बार फिर से माना प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में मिलेंगे। आप सबका मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। विधानसभा के संयोजक महानगर के महामंत्री आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी से आग्रह करते हैं, आप सभी अतिथियों के प्रति आभार ज्ञापन करें। आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी।